नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूको बैंक की। आप कैसे यूको बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, अगर हम अपडेट करवाना चाहें तो मोबाइल नंबर कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। तो बिना आपका कीमती समय जाया करते हुए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से एक मिलने वाली आपको खुशखबरी यह है कि हमारे चैनल की तरफ से एक चल रहा है गिववे, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिववे का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे टीपी लिंक कंपनी की तरफ से आने वाला वाईफाई वायरलेस राउटर, जो कि 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है, और इसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको गिववे में पार्टिसिपेट करना होगा। गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये वीडियो को दबा कर देना होगा लाइक। स्टेप नंबर टू, आपको कमेंट करके बताना होगा आप कहाँ पे रहते हैं और वहां यूको बैंक की सर्विसेज कैसी हैं। और स्टेप नंबर थ्री, आपको ये वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके पूरी इंफॉर्मेशन। ये तीन स्टेप फॉलो करने वाला जो भी होगा बंदा, वही गिववे में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ, कि मेन टॉपिक क्या है, हमें कैसे अभी यूको बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये रहा हमारा टोटल इंटरफेस यहाँ पे एटीएम मशीन का। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने पूरी की पूरी ग्राफिक्स तैयार कर रखी है आपके लिए, ताकि आपको मिल सके पूरा का पूरा फायदा और कोई भी दिक्कत ना हो आपको एटीएम में पिन जनरेट करते समय। यहाँ पे माफी चाहूँगा अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते समय। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एटीएम मशीन में जाते ही अपना जो एटीएम का कार्ड है वो मशीन के अंदर इंसर्ट कर देना है। मशीन के अंदर अपना कार्ड इंसर्ट करने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का बताया जा रहा है तो आप वहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए अपने कंफर्टेबल के अनुसार। उसके बाद में हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस है, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी जो एटीएम मशीन है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा, मोर के ऊपर क्लिक किए रहेंगे तब भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके एटीएम मशीन में नहीं दिख रहा है, यूको बैंक के एटीएम मशीन में, तो उसका मतलब है आप जिस एटीएम मशीन में गए हैं या तो फिर वो पुरानी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का वाला सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, तो आप किसी नई मशीन में चले जाइए जहां पे ये सपोर्ट कर रहा हो। फिर इसके बाद में हमें यहां पे वो ऑप्शन दे रखा है मोबाइल नंबर रजिस्टर, फिर दे रखा है मोबाइल फोन बैंकिंग रजिस्टर, एलपी रजिस्टर और आधार रजिस्टर। यहां पे चार ऑप्शन है, हमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। यहां पे जो कीपैड दे रखे हैं, यहां पे टच पैड है, यहां पे बटन्स दे रखे हैं, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे सामने इंटरफेस होगा इस तरीके का, यहां पे लिखा है न्यू नंबर रजिस्ट्रेशन और चेंज नंबर, तो हमें यहां पे जो न्यू नंबर रजिस्ट्रेशन है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना नंबर तो चेंज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं एज यू विश। इसके बाद में हमारे सामने इंटरफेस होगा इस तरीके का, यहां पे लिखा है प्लीज एंटर योर पिन, मतलब हमें अभी अपना पिन लिखना है, जो पिन कोड हमारा है एटीएम कार्ड का पिन है वही पिन लिख लेना है। उसके बाद में यहां पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये रहा इंटरफेस, यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप जिस एटीएम में है वो टच वाला एटीएम नहीं है तो वहाँ पे साइड में बटन दे रखे होंगे, बटन के अनुसार भी आप उसको टच कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से राज्य से हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हमारे सामने ये इंटरफेस है, योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। तो आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक बनता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।